लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमलावर वही लोग हैं जो कुंठित मानसिकता के हैं और समाज के लिए बोझ हैं। पुलिस पर हमले भी ऐसे समय हो रहे हैं जिसमें कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए ये दिन रात मोर्चे पर डटे हुए हैं। बात करें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, तो यहाँ भी पूर्व दबंग प्रधान और उसके समर्थकों ने पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला महज इसलिए कर दिया क्योंकि पुलिस कर्मी दबंग के घर लगी भीड़ की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे हुए थे। आरोपियों के हमले में एक सब इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना भोपा थाना इलाके में मोरना करहेड़ा मार्ग की है। यहां पूर्व प्रधान नारा सिंह के घर पर भीड़ होने की सूचना पर चौकी इंचार्ज लेखराज सिंह अपने दो सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। यहां पुलिसकर्मियों ने भीड़ को घर जाने के लिए कहा, तभी दबंग पूर्व प्रधान और उसके समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने भागने का प्रयास किया तो उग्र भीड़ ने उन पर पथराव भी किया। आरोपियों के इस हमले में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला चिकित्सालय ले जाने के साथ ही स्थानीय पुलिस को भी सूचना दे दी। घटना की सूचना के बाद जिले के पुलिस कप्तान अभिषेक यादव घायलों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। घायल पुलिस कर्मियों की हालत नाजुक थी जिसके चलते मुजफ्फरनगर के डॉक्टरों की सलाह पर घायलों को मेरठ रेफर कर दिया गया। पुलिस कप्तान ने बताया कि आरोपी पूर्व प्रधान नारा सिंह के साथ ही दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उनको समझाया जा रहा था कि भाई लॉकडाउन है, आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, दूरियां बना के रखें। उसी बीच में इन लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। हमले के दौरान हमारे सब इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल घायल हुए हैं और उसमें क्या कहते हैं 10-15 लोग थे और उसके अलावा भी अन्य लोग थे इसमें। तो उसमें से नाहर सिंह और जो उसके लड़के हैं उनकी दो पत्नियाँ थी, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सब लोग हमले में शामिल थे। तीन लोगों को अरेस्ट किया गया है, बाकी लोगों के लिए भी हमारी टीम्स लगी हुई हैं। संजय कुमार, जनमत न्यूज़, मुजफ्फरनगर।